हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू इनोवेटिव जीएस मनवीत आकाश। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्योटो प्रोटोकॉल और स्वच्छ विकास तंत्र यानी कि सीडीएम अर्थात क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ये है क्या, है ना, ये धारणा कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसी के साथ साथ हम देखने वाले हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना 2023 भारत के परिप्रेक्ष्य में। फिर इसी के साथ हम देखने वाले हैं ग्रीन क्रेडिट रूल्स 2023 क्या है या किससे संबंधित है, क्या है, क्यों है, है ना। इसी के साथ साथ हम देखने वाले हैं ग्रीन टैक्सोनॉमी क्या होता है, एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है या बहुत ही चर्चा पर चर्चा में रही है, ग्रीन टैक्सोनॉमी क्या है, और बस आज के इस वीडियो में हम इतना देखने वाले हैं। ग्रीन टैक्सोनॉमी, तो ग्रीन टैक्सोनॉमी, ग्रीन क्रेडिट नियम 2023, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग 2023 और सीडीएम क्या, ये चार से मतलब तो तीन से चार टॉपिक आज के इस वीडियो में कवर होने वाले हैं, जो कि एक दूसरे सब लोग इंटरलिंक हैं, इसलिए इन तीन से चार टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर किया जा रहा है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का अपना यह वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन आगे बढ़े और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक को उठा करके आपके सामने प्रस्तुत करें। तो क्योटो प्रोटोकॉल और स्वच्छ विकास तंत्र क्या है, आइए देखते हैं। तो 1997 की बात है, ये जो है 1997 में इसको अपनाया गया और एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है इंटरनेशनल लेवल पर, है ना। अच्छा, यहाँ पे आपको एक वर्ड जो है दिख रहा होगा, अंतर्राष्ट्रीय, इस वर्ड से आपको हम अवगत कराते हैं। जैसे आप लोग कहीं देखे होंगे ना, तो ऐसे भी लिखा गया होगा, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है, ये एक अलग वर्ड है, ठीक है, और ये जो लिखा है अंतर राष्ट्रीय, इन दोनों जो है वर्ड्स में अंतर है, ठीक है। इस अंतर्राष्ट्रीय का अंतर मतलब है, इस अंतर राष्ट्रीय का मतलब ये होता है कि देश के अंदर, अंतरदेशीय या अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हो गया इसी मतलब राष्ट्र के अंदर की बात हो रही है। इसे हम कह दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चीज़ें लागू की गई हैं, जैसे कि हम कह दें कि जो GST वाली बात है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, तो GST वाली जो बात है या GST जो नियम कायदे कानून लाया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, अगर ये वाला लिखा हुआ है, ये वाला अंतर्राष्ट्रीय, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि देश के अंदर की बातें हो रही हैं, जैसे कि पूरे देश में होलिस्टिक जो है कंट्री की बात हो रही है ना, पूरे राष्ट्र की बात हो रही है, उस राष्ट्रों के बीच में, राष्ट्र के बीच का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि जैसे कि ये अपना जो है भारत है, तो ये पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं उन लोगों के बीच में ये पूरा जो है व्यवस्था की गई है GST वाली, इसका मतलब ये हुआ, इस अंतर्राष्ट्रीय का मतलब, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं इंट्रा या जो है इंट्रा रिलेशन या इंट्रा जो है मैकेनिज्म, इसका मतलब ये होता है। यहाँ पे इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या होगा। और जो दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे इंटरनेशनल लिखा हुआ है ना, इंटरनेशनल और इंट्रानेशनल दो चीज़ें हो सकती हैं। तो इंटरनेशनल जब INTER जब लिखा रहेगा, इसका मतलब हो गया इंटरनेशनल, और ये हो जाता है वैश्विक स्तर पर। जब अंतर यानी कि अंतर फिर राष्ट्रीय, दो अलग अलग शब्द आएंगे, एक आएगा अंतर, एक आएगा राष्ट्रीय, यहाँ पर भी दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हो गया कि देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर, लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हो जाता है कि देश और एक और देश यानी दो या दो से अधिक देशों के बीच में, इसका मतलब हो गया। तो उम्मीद करते हैं दो शब्दों के बीच का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ध्यान से इसको जो है पढ़िएगा, कहीं पर भी अगर पेपर ऊपर में आता है न्यूज़पेपर में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय एक हो गया इंट्रानेशनल और एक हो गया इंटरनेशनल। इंट्रानेशनल अगर रहेगा देश के अंदर, इंटरनेशनल रहेगा तो देश या दो से मतलब एक देश दो देश के बीच में या दो से अधिक देशों के बीच में, तो ये बातें हो रही हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो क्योटो प्रोटोकॉल है या अंतर्राष्ट्रीय संधि है, यानी कि कई देश मिल करके इसमें संधि किए हैं, ट्रीटी किए हैं,
क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से निपटने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक समझौता। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, किससे संबंधित है, तो ये जलवायु परिवर्तन से निपटने से संबंधित है, यानी कि जलवायु परिवर्तन से कैसा कैसे निपटा जाए उससे यह जो है रिलेट करता है, उस पर यह जो है बात करता है ना। इसने विकसित देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य पेश किए हैं, जिन्हें अनुबंध कहते हैं और देशों के रूप में जाना जाता है, अनुबंध देशों के रूप में जाना जाता है। तो इसका अच्छा इसको हम जो है इरेज कर देते हैं, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा होगा, बस एक सेकंड, ठीक है। तो इट इंट्रोड्यूस्ड लीगली बाइंडिंग, तो ये जो क्या है, लीगल है, बाइंडिंग है, इमिशन रिडक्शन जो है इमिशन को कम करने के लिए टारगेट फॉर अ डेवलप कंट्रीज, ये जो डेवलप कंट्री हैं उनके ये टारगेट के लिए बनाया गया है, नोन एज एनेक्स आई जो है एनेक्स कंट्रीज, तो ये एनेक्स का मतलब हो गया अनुबंध है ना, नोन एज अनुबंध, इसी से जो है अनुबंध देशों के रूप में जानते हैं जो कि इस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, एक कानूनी बाध्यता है। पीटी में से पूछ लेगा क्या यह कानूनी बाध्यता है या नहीं है, तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, एक कानूनी बाध्यता है, किसके लिए है, विकसित देशों के लिए है, इसी को ध्यान दीजिएगा, बस विकसित देशों के लिए है, ना कि विकासशील देशों के लिए है। हालांकि भारत सहित विकासशील राष्ट्रों को इन दायित्वों से छूट दी गई है, इसी बात की मैं अभी चर्चा कर रहा था कि ये जो लीगल जो बाध्यता है ये केवल और केवल विकसित देशों के लिए है, ना कि विकासशील देशों के लिए है, जो कि दूसरी लाइन में इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया गया है कि जो है क्योटो प्रोटोकॉल के तहत इनको कानूनी बाध्यता नहीं है, किसको नहीं है, भारत सहित विकासशील राष्ट्रों को नहीं है, है ना, इन दायित्वों से इसको छोड़ दिया गया। अनुबंध देशों को उनके उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करने और विकासशील देशों में सतत विकास को यानी कि SDG को प्रोत्साहित करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल ने स्वच्छ विकास तंत्र यानी कि CDM की स्थापना की है। तो CDM क्या है, जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संधि की गई है यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल, उसी के तहत क्या करने के लिए, जो भी अनुबंध देश हैं उनके उत्सर्जन में, कार्बन उत्सर्जन में जो कमी है उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए सहायता करने के लिए, विकासशील देशों में सतत विकास लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए, इसी जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत उठाया गया एक कदम है, उस कदम का नाम है CDM। तो अब हमको लगता है आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अरे भाई आगे बढ़ो, अब हम बात कर लेते हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना 2023 को लेकर के। तो यह क्या है, आइए इसको भी देख लेते हैं। 28 जून 2023 को विद्युत मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर, विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित यानी कि नोटिफाइड किया गया यह योजना भारत में कार्बन क्रेडिट व्यापार के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करती है। तो जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, अच्छा सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग क्या है ना, योजना तो ये तो जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कुछ होगा, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग ये कुछ है, इसलिए उसके तहत या उसके आगे जो है लगा हुआ है योजना। तो जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी ए है, कोई कंपनी बी है, ठीक है, और सरकार क्या है जो है एक निश्चित कर दी है, एक डाटा, एक लिमिट जो है निश्चित कर दी है कि भैया आप जो हैं या कोई भी कंपनी वाला है वो इस लिमिट तक, जैसे मान लीजिए कि 500 टन या 500 कुछ करके जो है इमिशन गैस का कर सकता है यानी कार्बन का इमिशन करेगा। तो अब मान लीजिए जो कंपनी ए है ये इसका जो लिमिट फिक्स किया गया है, इसका मतलब सभी कंपनियों का लिमिट फिक्स किया गया है कि भैया 500 तक आप जो है कार्बन का उत्सर्जन कर सकते हैं, लेकिन कंपनी ए ने क्या किया, ये जो है यहाँ तक कर दिया यानी कि मान लीजिए 1000 कर दिया, ठीक है, ये 1000 टन या 1000 किलो कार्बन उत्सर्जन कर दिया। और कंपनी जो बी है ये क्या की है, ये 500 से नीचे ही की है यानी कि जो सरकार के द्वारा जो लिमिट तय की गई है उससे नीचे यानी कि ये 100 तक ही यानी कि 100 किलो या 100 टन जो है ये उत्सर्जन करती है, कार्बन उत्सर्जन करती है, यानी कि जो कंपनी बी है ये कंपनी ए से जो है 300 यूनिट या 300 किलो
कम कार्बन उत्सर्जन करती है ना। अगर ये जो है ये 500 अगर लिमिट तय की गई है सरकार के द्वारा, तो उस सरकार के द्वारा तय किए गए लिमिट से भी जो है कम खर्च करती है, कम कार्बन का उत्सर्जन करती है ना, जो कि 500 तय किया गया है। और इससे जो है आप देखेंगे, यानी कि 1000 से अगर देखेंगे, यानी कि एक का जो पूरा का पूरा कार्बन उत्सर्जन है 1000 यूनिट खर्च किया गया, या 1000 यूनिट कार्बन को उत्सर्जन किया गया, तो इससे आप देखेंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना। तो इसका क्या हुआ, ये लिमिट से कम हुआ है। अब क्या होगा, इसके पास जो है इतना ज़्यादा, यानी कि 500 यूनिट ज़्यादा उत्सर्जन किया है ए ने, तो अब इस पर ये लोग क्या करेंगे कि मतलब जैसे मान लीजिए कोई योजना आ रही है, या कोई नियम कायदे कानून आ रहे हैं, या कोई भी जो है ट्रेडिंग हो रही है, तो इसमें जो है इसके ऊपर हर्जाना लगेगा, या जो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा भारत सरकार का कार्रवाई का इसका सामना करना पड़ेगा, है ना। इसको आसानी से किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं मिलेगा, या FDI नहीं आएगा, क्योंकि ये पर्यावरण संबंधित नियम कायदे कानून का उल्लंघन किया है कि भाई आपको इतना कहा गया, लेकिन आपकी कंपनी जो इतना कर रही है, तो इससे इसकी जो मतलब साख है कंपनी की वो गिरेगी। तो इसकी भरपाई करने के लिए क्या करेगा, जो कंपनी बी है उससे कार्बन ले लेगा, है ना, मतलब कार्बन दे देगा, कार्बन ले नहीं कार्बन दे देगा। इसने जो ये 500 एक्स्ट्रा यूनिट खर्च किया है, या ज़्यादा उस वजन निकाला हुआ है, ये इसको दे देगा, या इसके मतलब इसको बेच देगा। मतलब अब जैसे मान लीजिए इसके पास 500 यूनिट ज़्यादा है, कंपनी ए के पास 500 यूनिट ज़्यादा है, तो अब इसके इसका जो लिमिट है, यानी कंपनी बी का जो लिमिट था उससे भी इसने कम किया है। कितना कम किया है, 400, है ना। अभी मैं शायद मैं 300 बोला था कि 300 कम किया है, 400, क्योंकि ये 100 यूनिट ही खर्च किया है कार्बन उत्सर्जन जो है, 100 यूनिट ही ये निकाला है, और चाहिए कितना, यानी कि जो भारत सरकार का जो लिमिट है वो 500 यूनिट का। ये जान लीजिए कि ये सब मैं मान रहा हूँ, ठीक है, हकीकत में ऐसा नहीं है, तो एक इमेजिनेशन समझाने के लिए। तो भारत सरकार के द्वारा जो तय किया गया है 500 यूनिट तय किया गया है, लेकिन बी के द्वारा ये केवल 100 यूनिट ही कार्बन उत्सर्जन किया है, तो बचा कितना, अभी है 400। तो अब ये 400 जो यूनिट है यहाँ से ये इसको दे देगा, बचेगा इसके पास 100 यूनिट केवल, तो किसी और को दे देगा। तो ये जो 100 यूनिट है ये इसको बेच देगा कंपनी बी को, यानी कि जो 400 यूनिट है, ठीक है, तो 400 यूनिट कंपनी ए कंपनी बी को बेच देगा, यानी कि दे देगा। तो इसके पास ए वाले के पास बचेगा कितना, 100 यूनिट बचेगा, तो किसी और को बेच देगा। तो यही जो 400 यूनिट ये बेच रहा है बी को, इसी व्यवस्था को कहा गया है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, है ना। ये एक जो है कंपनी दूसरी कंपनी को बेचेगा जो सरकार के द्वारा तय किया गया जो लिमिट है उससे ज़्यादा होने पर। तो ये सरकारी एक योजना आई है, एक जो है स्कीम आई है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि कार्बन ट्रेडिंग होती गया है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग होती गया है, ठीक है। सीधी सी बात है, दो लोग हैं, दोनों लोगों में से जो है किसी एक ने ज़्यादा काम कर दिया है, या ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर दिया है, तो वो किसी और को अपना कार्बन बेच करके उसका जो है वो एक सर्टिफिकेट ले लेगा कि हाँ भैया हमने जो पर्यावरण के अनुकूल काम किया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये ABCD वाली बात समझ में आ गई होगी, है ना। ABCD मतलब ये कंपनी ओपनी वाली बात। तो ये रहा कार्बन क्रेडिट, अब हम बात कर लेते हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को लेकर के। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि भैया ये विद्युत मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है, है ना, और कार्बन क्रेडिट व्यापार के लिए एक व्यापक जो है ढांचा स्थापित करेगा कि हाँ कैसे लेना, क्यों देना, कहाँ देना, कैसे देना, ये सारी चीज़ें, है ना, इसकी क्या पूरा एक सिस्टम होगा उससे संबंधित है ये कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना संबंधित है। तो परियोजना का पंजीकरण, सत्यापन, कार्बन क्रेडिट जारी करने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा, ये सारी बातें इसमें तैयार की जाएंगी, बताई जाएंगी कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या काम करना है आपको यह योजना। अनुपालन तंत्र और मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन एजेंसियों के लिए पात्रता मानदंड भी बताती है कि हाँ भैया आपको करना है या किसी और को करना है, कैसे करना है ना। इन नियमों से कार्बन क्रेडिट उत्पादन और व्यापार की प्रक्रिया सुव्यवस्थित होने की उम्मीद है, जिससे कि व्यवसायों और व्यक्तियों की अधिक भागीदारी आकर्षित होगी, और इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग आएगा, यानी कि व्यापार में एक सुगमता आएगी। तो इतनी बातें हो जाती हैं आपकी क्लियर। तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग 2023 आपको समझा दिया गया, आ गया। अब हम बात कर लेते हैं ग्रीन क्रेडिट रूल 2023 को लेकर के।
तो क्योंकि ये तीनों चीज़ें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैंने इस इन सबको एक ही वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो अब बात कर लेते हैं ग्रीन क्रेडिट नियम या रूल्स को लेकर के। तो पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को अधिसूचित किया गया ये नियम, कौन सा नियम, यही ग्रीन क्रेडिट नियम को अधिसूचित किया गया, बताया गया है ना, यानी कि लोगों में क्रेडिट बाजार में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन की गई एक पहल है कि भैया क्रेडिट बाजार में ज़बरदस्त तरीके से लोग ये चीज़ें आदान करें, प्रदान करें, है ना, एक दूसरे को जो है लेन देन ये प्रक्रिया आगे बढ़े, इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन क्रेडिट नियम लाया गया है, है ना, एक नई पहल की गई है। CCTS के विपरीत जो मुख्य रूप से औद्योगिक परियोजनाओं पर केंद्रित है, है ना, इसका मतलब एक और योजना, एक पहल है CCTS, उसके अपोजिट में ग्रीन क्रेडिट नियम व्यक्तियों और समुदायों को वृक्षारोपण, जल संरक्षण, टिकाऊ कृषि जैसी गतिविधियों के माध्यम से कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो कार्बन क्रेडिट कैसे उत्पन्न किया जाए, जैसे कि मान लीजिए कोई भी क्या कहते हैं उसको व्यक्ति है या समुदाय है, उसको जो है ये लेकर के आता है ग्रीन क्रेडिट नियम। तो इसके तहत जो भी लोग क्या करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, जल संरक्षण करेंगे या टिकाऊ कृषि जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगे, लगाएंगे, है ना, उनके लिए कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने वाली ये एक प्रोत्साहित जो है व्यवस्था है या नियम है। इस योजना में न केवल कार्बन क्रेडिट की आपूर्ति बढ़ाने की क्षमता है, बल्कि स्थानीय समुदायों और स्वयं सहायता समूहों को शामिल करते हुए जमीनी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की क्षमता भी है। तो यानी कि आप यह कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक नया पहल है ग्रीन क्रेडिट नियम 2023। तो ग्रीन क्रेडिट रोल्स 2023 जो है उसका मूल क्या है कि वृक्षारोपण करना, जल संरक्षण करना, टिकाऊ कृषि को जो है बढ़ावा देना और कुल मिलाकर के पर्यावरण का संरक्षण करना। तो इन सब का अंततः जो मूल आएगा वो क्या आएगा, पर्यावरण संरक्षण का आएगा, है ना, क्लाइमेट चेंज को जो है कम करना, तीसरा क्या है ग्लोबल वार्मिंग की घटनाओं को कम करना या ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। तो ये 2, 4, 5 जो मुद्दे हैं इन सब चीज़ों से ये इंटरलिंक हो जाता है ग्रीन क्रेडिट रोल्स। अच्छा, इससे हमारे जो है इकोनॉमिक्स पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि जैसे ही हम इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, ग्रीन क्रेडिट नियम को लेकर के आएंगे, तो हमारे इकोनॉमिक पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसी के साथ साथ जो है हम कह सकते हैं यह जो पार्ट है यानी कि रूल्स, नियम, रेगुलेशन, ये सारी चली जाती हैं पॉलिटी में, यानी कि पॉलिटी में भी इसको आप इंटरलिंक कर सकते हैं कि इससे हम क्या कर रहे हैं, जो जन भागीदारी है, जन सहभागिता है, उन सब चीज़ों को भी हम आगे लेकर, यानी कि गवर्नेंस वाला पार्ट, पॉलिटी नहीं गवर्नेंस, सॉरी, यानी कि गवर्नेंस भी हमारा एक अच्छा होगा। तो यहाँ तक बातें हमने बता दी आपको, इतनी चीज़ें हो जाती हैं क्लियर। अब इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं लगे हाथ ग्रीन टैक्सोनॉमी की। तो ग्रीन टैक्सोनॉमी क्या है, आइए इसको हम देख लेते हैं। ग्रीन टैक्सोनॉमी वित्त मंत्रालय के तहत जो है स्टार्ट किया गया है 23 जुलाई 2024 से 2025 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की गई थी, जब अभी हाल ही में केंद्रीय बजट यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया था। सरकार जलवायु अनुकूलन यानी कि जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग समन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जलवायु वित्त वर्गीकरण विकसित करेगी, इसी से संबंधित है ये ग्रीन टैक्सोनॉमी। तो इससे भारत को अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं और हरित परिवर्तन को प्राप्त करने में मदद मिलेगा। इससे क्या होगा, भारत अपनी जलवायु से संबंधित जो प्रतिबद्धता सुनिश्चित किया हुआ है वह हरित परिवर्तन को प्राप्त कर लेगा इस ग्रीन टैक्सोनॉमी के तहत। यह ध्यान देने वाली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि IFC के एक रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया कि 2018-2030 तक भारत में $3.8 trillion की जलवायु स्मार्ट निवेश क्षमता है। तो कुल मिलाजुला कर कहने का मतलब ये है ग्रीन टैक्सोनॉमी का कि इसके तहत ऐसे इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे या ऐसे जो है समूह में या फिर ऐसे क्षेत्र में, ऐसे एरियाज में पैसा खर्च किया जाएगा जिससे क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण जो है कम करना, पर्यावरण संरक्षण करना, है ना, ये मतलब पर्यावरण से संबंधित कुल मिलाजुला करके काम किया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, तो इसी को कहा गया है ग्रीन टैक्सोनॉमी। तो उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में
ग्रीन टैक्सोनॉमी क्या है, ग्रीन क्रेडिट नियम क्या है, और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना क्या, अब कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग क्या है, इसी के साथ साथ सीडीएम क्या है यानी क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ स्वच्छ विकास तंत्र क्या है, इतने टर्म्स आप जो है एक ही वीडियो में जान गए होंगे, समझ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो और थोड़ा सा भी आपके नॉलेज में वृद्धि हुई तो प्लीज़ आज के इस वीडियो को हमारे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन आगे बढ़े और इसी तरह से हम नए नए टॉपिक जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चर्चा में रहते हैं, परचर्चा में रहते हैं और हमारे यूपीएससी के जो है प्रीलिम्स में ऐसे टर्म्स को ही पूछा जाता है और उसी के तहत जो है नए नए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं इतना किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।